और ये अभी तक की जो मेरी जर्नी थी उसका सबसे अमेजिंग स्पॉट है ये। कहो ना प्यार मूवी की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। वेलकम टू माई चैनल फराह खान दिल्ली। और आप सोच रहे होंगे ये हम लोग कहाँ बैठे हैं और ऐसे हिचकियाँ क्यों ले रहे हैं, तो आपको बता दूँ हम लोग जा रहे हैं पीपी आइलैंड। पहली बार इतनी हाई स्पीड ना, हाँ हम तीन आइलैंड आज एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट आइलैंड है बैम्बू आइलैंड। यहाँ पर पहुँचने से पहले जो सारा हमने प्रोसेस किया, जो फॉर्म फिल किया और कैसे हम बोट में आए, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। दोस्तों सुबह 6:30 बजे हम रिजॉर्ट से निकले और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे सी स्टार अंडमान सेंटर। सी स्टार अंडमान एक टूर एजेंसी है और इनका फुकैत के कई होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के साथ टाइप है। हमारा फीफी आइलैंड का जो पैकेज था हमने रिजॉर्ट स्टाफ के थ्रू बुक करवाया था और दो लोगों के लिए हमने पे किया था 4,000 baht। और अगर थाईलैंड के इस अमाउंट को मैं इंडियन रुपीस में काउंट करूं तो तकरीबन बनेगा 9,365 रुपए, या फिर आप 10,000 रुपए मान के चलिए, जिसमें आपका रिजॉर्ट से सेंटर तक पिक एंड ड्रॉप आपको मिलेगा और इसके साथ ही फीफी आइलैंड पर लंच भी आपको इसी में इंक्लूडेड होगा। तो जब सुबह सुबह आप सेंटर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम भी है। फीफी आइलैंड की जर्नी शुरू करने से पहले यहाँ का जो स्टाफ है वो आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग देता है कि वहाँ पर जब आप जाएं तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या क्या चीजें नहीं कर सकते, ये आप ध्यान में रखें। ब्रीफिंग के बाद आप सवार होते हैं बोट में और यहाँ से शुरू होती है आपकी फीफी आइलैंड की जर्नी। आपको फ्री स्नॉर्कलिंग गियर्स भी मिलेंगे, लेकिन अगर आपने वो खो दिए तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली वी रीच्ड बैम्बू आइलैंड। पीपल आर एंजॉयिंग दिस सी व्यू और स्नॉर्कलिंग करने का भी यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड जो लोकेशन है वो इतनी अमेजिंग है कि सब लोग यहाँ पर वीडियोज, इंस्टाग्राम रील्स, सेल्फीज क्लिक कर रहे हैं और हम लोग भी तैयार हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए। मुझे स्विमिंग नहीं आती इसलिए आई एम बिट नर्वस। सो फ्रेंड्स, 1 घंटा यहाँ पर हमने बैम्बू बीच पर स्पेंड किया और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, अपना सनस्क्रीन अपने साथ लेकर ज़रूर आए, बिकॉज़ विद इन अ हाफ एन आवर मेरी बॉडी पूरी टैन हो गई है, धूप बहुत तेज़ है, तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो गाइज देखिए हम पहुंच गए हैं फीफी डॉन आइलैंड पर और ये अभी तक की जो मेरी जर्नी थी उसका सबसे अमेजिंग स्पॉट है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ का जो नेचर है ये ऐसा है कि सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा। और फिल्मों से मुझे याद आया कि कहो ना प्यार मूवी की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। यहाँ पर ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की पहली मूवी जो कहो ना प्यार है वो जो सुपर हिट हुई थी उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी। आइलैंड के लगून में है और ये वाला जो एक्सपीरियंस है बहुत अमेजिंग है। आप देखिए चारों तरफ खूबसूरत ये पहाड़ हैं और हर कोई इंजॉय कर रहा है। ये एकदम हरे रंग का पानी और एकदम खिली खिली धूप आ रही है। हमने बोट हायर की है फॉर 2 पीपल, मी एंड सैफी। तो अगर आपको पर्सनल बोट हायर करनी है तो उसके लिए आपको 1500 जो थाई करेंसी है वो देनी होगी, लेकिन दिस एक्सपीरियंस इज जस्ट अमेजिंग।
गाइज हम लोग माया बे पर हैं एंड इट्स वन ऑफ द टॉप 16 ब्यूटीफुल बीच। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ये अब माया बीच की तरफ जाएगा और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि इसकी एक तो ख़ासियत ये है कि जो टॉप 20 ब्यूटीफुल बीचेस हैं उसमें ये 60 नंबर पर आता है, तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए। और हम भी अब जा रहे हैं माया बीच एक्सप्लोर करने। हम लोग माया बीच पहुँच चुके हैं और जो माया बे है वहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 3 मिनट्स का वॉकिंग है। बहुत ही खूबसूरत है ये बीच, टॉप 20 ब्यूटीफुल बीचेस में ये आता है। और देखिए नज़ारा, आप देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई खूबसूरत पेंटिंग से ये पूरा नक्शा तैयार किया है। पहाड़ों की खूबसूरती देखिए, पानी देखिए एकदम चमचमाता ग्रीन कलर का, सी ग्रीन कलर का, एंड जो सैंड का कलर है इट्स ऑलमोस्ट वाइट। सो दिस ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन जो है वो इस जगह को और ही खूबसूरत बना देता है। जिसने हमें पूरा फिफ्टी आइलैंड दिखाया एंड बी जो है वो 24/7 काम करते हैं। बी यू आर डूइंग दिस वर्क ऑन अ डेली बेसिस और यू टेक ऑफ? नो डे ऑफ। नो डे ऑफ? नो डे ऑफ। सो डोंट यू फील हैक्टिक, टायर्ड? नो नो नो, इट्स वेरी टफ जॉब, बिकॉज़ इफ यू लव योर जॉब यू कैन वर्क एवरी डे, बिकॉज़ फॉर मी माय एवरी डे हॉलीडे। Every day is holiday? Yes, I just come and swim and talking. Why not? So you enjoy this work? Like? I love this job. Thank you so much, B. सुबह से हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं फिफी आइलैंड और अब हम पहुंचे हैं लंच के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारा सेटअप किया हुआ है, होटल्स हैं, कैफे हैं। यहाँ का थाईलैंड का फेमस मैंगो है, दिखने में कच्चा है लेकिन बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। और इसके साथ ये मसाला भी आपको मिलेगा, तो बड़ा ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। और 30 रुपीज़ का है, थाई करेंसी जो 30 रुपीज़ है। गाइज इस ब्लॉग में मैंने आपको पूरा जो फिफी आइलैंड है वो दिखाया और इट वाज अ वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। और उसके साथ बहुत हेक्टिक भी था क्योंकि सुबह हम लोग निकले थे 7:30 और अभी हो रहे हैं 5:30 और बैक टू बैक हमने बहुत सारे आइलैंड वहाँ एक्सप्लोर किए, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो ये ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल फराह खान दिलीवाली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।